सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 30 मई है और दिन है सोमवार। सबसे पहले सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की आज पुण्यतिथि थी, उनको सादर नमन करता हूँ और माफ़ी चाहूँगा कल लाइव नहीं आ पाया। बहुत बड़ी और बड़ी एक दुखद घटना कल पंजाब के अंदर हुई। सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर थे, आर्टिस्ट थे, हालांकि उन्होंने अभी पीछे से पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी, वो खैर एक अलग बात है, लेकिन बहुत दिलों के अंदर धड़कते थे, बड़े अच्छा नौजवान, बहुत अच्छा वो सिंगर था। उनकी कल बड़ी दुखद जो है मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। हर एक किसान का बेटा स्टन था, हर एक किसान का बेटा जो है दुखी था उस चीज़ को लेकर। तो कल का लाइव साथियों नहीं किया। आज भी राकेश टिकैत जी के ऊपर स्याही फेंकी गई है, उनके ऊपर भी हमला किया गया है, उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ एक किसान का बेटा होने के नाते। हो सकता है मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ अजीज मित्र इस बात से सहमत ना हो, लेकिन अपना अपना व्यू होता है, अपनी अपनी सोच होती है। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सारे ज़रूर उस बात से सहमत हो, लेकिन मेरे लिए एक किसान का बेटा होने के नाते राकेश टिकैत जी जो है मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं। उनके ऊपर हुए हमले और स्याही फेंकने के जो कांड हुआ है उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। साथियों, सभी साथियों को एक बार पुनः जय किसान। साथियों, आज 30 मई है और दिन है सोमवार। जैसा कि रोज अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी साथियों चर्चा करेंगे, सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ खबर है इंडोनेशिया से उसके ऊपर चर्चा करेंगे, सलोनी भरतपुर के अंदर तेजी आई है उसके अंदर चर्चा करेंगे, विदेशी तेलों के क्या हाल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और जून के महीने का इतिहास क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और आवकें क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और आगे क्या रह सकती हैं उसके ऊपर भी साथियों चर्चा अपने करेंगे। थोड़ी सी चर्चा नरमे के ऊपर करेंगे, ग्वार जौ और चना के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी साथियों चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा नरमे के ऊपर, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेके 4,000 रुपये प्रति क्विंटल नरमा टूट गया है। क्यों टूटा है वो उन लोगों से पूछिए जो भाई उस दिन कह रहे थे कि सरकार का जो आयात शुल्क खत्म करने का निर्णय है वो सही है, उससे नरमे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसी दिन बोला था कि ये एक नरमे के किसानों के लिए, इस सीजन के लिए नहीं, जो आने वाला सीजन है उसके लिए भी एक कब्र खुद गई है। और हालांकि मेरे विचार से सभी साथी सहमत हों ये कोई जरूरी बात नहीं है, और आपके विचार से मैं सहमत हूँ वो कोई जरूरी बात नहीं है। खैर, वो एक फैक्ट था और वो फैक्ट पड़ा। हालांकि बहुत से जो मेरे और सज्जन हैं, जो साथी हैं, जो YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर जो चर्चा करते हैं, Facebook के ऊपर तो बहुत कम साथी चर्चा करते हैं, शायद अपने ही चर्चा करते हैं, कोई एक दो साथी और करते होंगे। YouTube के ऊपर काफ़ी साथी चर्चा करते हैं, भावों का काफ़ी नॉलेज रखते हैं। मैं तो किसान का बेटा हूँ, देखो आप जैसे ही हूँ मैं, तो उनका ये कहना था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 3 से 4 हज़ार रुपये की मंदी नरमे के अंदर आ जाएगी, और ऊपर से जो फैक्ट्रियों वाले हैं, जो बड़े जो मिलर्स हैं, जो स्पिनिंग जिनिंग मिलों का काम है जिनका, उन्होंने हड़ताल कर रखी है उधर साउथ की ओर, तो उस चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, और नरमे के अंदर बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट जो है साथियों नरमे के अंदर आई है। नरमे के अंदर एकदम से आज कल परसों में तेजी आने की साथियों संभावना नहीं लग रही है। नहीं लग रहा कि इस सप्ताह में नरमा जितना गिरा है 3,000, 3,500, 4,000 रुपये बढ़ जाएगा, नहीं, कोई नहीं जो है इस चीज़ की कोई गारंटी साथियों लग रही। रमेश जी, सूरज जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका धन्यवाद। जो जो साथी शेयर करते जाएंगे नाम बोलता जाऊंगा, और पुनः आपसे निवेदन है कि शेयर का बटन साथियों दबाते जाना और मैं आपके नाम जो है पढ़ता जाऊंगा। साथियों देखिए, परसों जवान शहीद हुए थे वो भी किसान के बेटे थे, परंतु आप लाइव आए थे क्यों? संजय जी मंडा, मंडा जी, संजय जी मंडा, मंडा जी देखिए, हालांकि मैं कमेंट पढ़ा नहीं करता बीच में, लेकिन आपका कमेंट मैंने लिया है, क्योंकि मेरे लिए देश के जवानों के प्रति बहुत बड़ी एक श्रद्धा है, और देश के जो जवान हैं वो भी किसानों के बेटे हैं। मेरे पेज के ऊपर जाके आप जरूर चेक कीजिएगा कि सबसे पहले पोस्ट उनकी मैंने की थी, लेकिन आप ये टाइम एक आप नोट कीजिएगा कि वो जो दुर्घटना हुई थी, हमारे जो जवान शहीद हुए थे वो किस समय शहीद हुए थे। खैर मंडा जी, मैं आपको इनबॉक्स भी करूंगा, आपसे चर्चा भी करूंगा। आपने सवाल पूछा, आपका धन्यवाद। सवाल पूछने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वही हमें सही दिशा और सही डायरेक्शन दिखाते हैं।
अगर हमारी कोई गलती है तो वही हमें बताते हैं। धन्यवाद मंडा जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, आते हैं मुद्दे के ऊपर। चने के अंदर आज कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी और इस पूरे सप्ताह के अंदर चने में तेजी साथियों नहीं बनेगी, जिसको अपने 200-300 की तेजी बोल दें या बड़ी तेजी बोल दें, वो साथियों नहीं बनेगी। जौ के अंदर फिर गिरावट थी। आम मंडियों के अंदर जौ जो है 2400-2300 रुपये बिका है, बेस प्राइस 2500-2700 के बीच में था, वहां से भी गिरावट जौ के अंदर आई है साथियों। बहुत बड़ी तेजी जौ के अंदर आगे बढ़ती हुई साथियों जल्दी से नहीं लग रही। बात करें ग्वार की, तो ग्वार भी उन्हीं भावों के अंदर घूम रहा है। आज ग्वार के अंदर 50 से लेके 60-70 रुपए तक की मंदी साथियों दर्ज की गई है। हालांकि मैंने इशारा भी किया था पिछले सप्ताह आपको कि अगले सप्ताह हो सकता है आपको ग्वार थोड़ा सा मंदा देखने को मिले, क्योंकि पिछले सप्ताह के लास्ट जाते जाते एकदम से जो है भाव कुछ ठीक बनने लगे थे, 6000 की ओर बढ़ने लगे थे, और जो बेचने वाले हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने बेचना ही था। पाला सिद्धू जी, गुरजोत जी, विश्वदीप जी, आप सबने वीडियो को शेयर किया, आपका धन्यवाद। तो साथियों, बिकवाली ज़्यादा थी ग्वार के अंदर, तो भाव जो है डाउन चले गए साथियों। वो मैंने आपको बताया भी था कि ग्वार के भाव जब 5400-5500 आते हैं तो कुछ लोग खरीद लेते हैं, जैसे 6000 जाते हैं तो वो लोग बेच लेते हैं। आम किसान भाई जो हमारे हैं, उनका जो ग्वार है वो अभी घर पे ही पड़ा है, वो नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि काफी समय से वो लोग इंतजार साथियों कर रहे हैं। बात करते हैं साथियों सरसों की। देखिए, सरसों के अंदर आज सुबह फिर बाजार गिरावट से खुला, 50 रुपए, 70 रुपए और कुछ बाजार 100 रुपए गिरे। गिरावट इस कदर आई कि नहीं लग रहा था कि बाजार उठेंगे। निवेदन है आपसे एक मेरा, वीडियो को शेयर कर दें साथियों ताकि और साथी जुड़ जाएं, सबसे जो है अपने चर्चा कर लें, क्योंकि मेरा काम वीडियो बना देना है, आपका काम वीडियो को आगे बढ़ाना है ताकि और साथियों तक पहुंच जाए। तो साथियों, जैसे बाजार खुले गिरावट आई, विनोद जी आप लेट जुड़े हैं, आपने वीडियो को शेयर किया धन्यवाद, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, दोपहर से थोड़ा सा और आगे निकले तो साथियों लगा कि बाजार तेज होगा और बाजार के अंदर तेजी बनी। नरेश जी चौहान साहब कह रहे हैं मैंने 2 महीने बाद सरसों बेचनी है। आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा, अभी एक हमारे मित्र थे उनका आज फोन आया था, वो भी बताऊंगा। लेकिन शाम होते होते सरसों के अंदर 50 रुपए से लेके जो है 70 रुपए की तेजी आ गई। कोई साथी गलत कमेंट कर रहे हैं, खैर आपसे निवेदन है कि आप इस रास्ते पे नहीं चले। मैं भी किसान का बेटा, मेरा खून बहुत जल्दी खोलता है, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आपको वीडियो नहीं देखनी आप नहीं देखें, कोई बात नहीं, आप छोड़ दें वीडियो, आप इस चैनल को, इस पेज को भी छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब साथियों मत करें। तो साथियों, जैसे दोपहर से आगे समय बढ़ा तो जो है तेजी आ गई और अच्छी तेजी आई, 50 से लेकर 70 रुपए की तेजी साथियों बनी। लेकिन मैं इस तेजी को तेजी नहीं कहूंगा, मैं इस तेजी को रिकवरी कहूंगा। रिकवरी है और ये रिकवरी जो है हो सकता है अभी जो लेट शाम तक, क्योंकि मेरे पास न्यूज होती है वो 5 बजे तक ही होती है, हो सकता है वो थोड़ी सी और तेजी आई हो। सलोनी ने 50 रुपए बढ़ाए, भरतपुर ने भी 50 रुपए बढ़ाए, दिल्ली ने 70 रुपए बढ़ाए, जो बाजार थे मतलब कि उनकी एक दिशा बनती हुई साथियों नजर आई। लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि ये जो तेजी है ये कल भी बनी रहेगी, हो सकता है कल तेजी इससे ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन अब आप गारंटी नहीं ले सकते। उसका एक कारण है, सरकार की बहुत तीखी तेज तरार नजर है सरसों के बाजार के ऊपर और हम लोगों को उस चीज का गौर रखना पड़ेगा। आज एक साथी है विक्रम जी, उनका फोन आया, शायद विक्रम जी बिश्नोई थे पदमपुर से, वो अपनी सरसों लेके आए थे। यानी कि किसानों का माइंडसेट क्या है, मैं उस चीज को आपको बताना चाहता हूँ। शायद विक्रम जी नाम था उनका, बिश्नोई थे, उनकी लैंग्वेज से मुझे पता लग रहा था क्योंकि मेरे आसपास में बिश्नोई भाई काफी रहते हैं और मुझे बिश्नोई जो लैंग्वेज है बड़ी अच्छे से आती भी है और मुझे समझ भी आती है और मैं बोल भी लेता हूँ। और वो बिश्नोई थे, उनका फोन आया, उन्होंने ये बोला कि मैं सरसों लेके आया हूँ भाई, क्या भाव? उनकी लैब बहुत कम थी, 37 लैब थी या 38 लैब थी, मुझे पूरा कन्फर्म नहीं। कुलदीप सिंह जी आपका भी धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये मन करता कि मैं गट्टे पैक करा दूं, रेट इसका बाद में लगवाऊं। खैर पता नहीं बाद में वो सरसों देके गए कि नहीं गए, लेकिन अब कहानी ये है, आज की आवकें थी 3,50,000 कट्टा, यानी कि आवकें थोड़ी सी कम हुई हैं। जब ये आवकें कम हो जाएंगी साथियों,
तो फिर ये सरसों लाएंगे कहां से, फिर इनको तेजी लानी ही पड़ेगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है, फिर सरसों में तेजी आएगी ही आएगी, इस बात में कोई भी दोराय नहीं है। लेकिन आंखों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैंने पहले भी बहुत बार निवेदन किया, किसान भाई दो तरह के होते हैं, एक चलती तेजी में सौदा करने वाले होते हैं और एक नीचे जाते भाव के अंदर सौदा करने वाले होते हैं। अब जो मेरे भाई बाजारों के अंदर सरसों लेके आ रहे हैं, उनमें से देखिए 30% लोग तो ऐसे हैं जिनका घरेलू सिस्टम होता है, जिनको अगली फसल के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो लोग सरसों लेके आ रहे हैं, उनकी तो मजबूरी, वो तो लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे आड़ती जो हमारे सेठ भाई होते हैं, जिनसे हम लोग साल भर से मतलब कि काम चलाते हैं, उनका भी यही प्रेशर होता है, जब भाव डाउन जाता है फिर वो कोशिश करते हैं कि हमारा जो किसान है उससे हम लोग माल लेके रख लें और बाद में तेजी में हम लोग बेच दें। वो एक प्रक्रिया है, वो चलती है, बड़े सालों से चलती है और वो चलती रहेगी, क्योंकि वो अब कई साथियों का इस बात की बहस भी होती है, वो कहते हैं कि नहीं यार ये गलत है, लेकिन कुछ साथी ये कहते हैं कि नहीं भाई साल भर से हम लोग उनसे वो जो हमारा सिस्टम चलता है। खैर वो एक अलग बहस का मुद्दा है साथियों, वो बात की बात है। तो साथियों पुनः आप से निवेदन है कि सरसों के अंदर आज जो है लगभग 70 रुपए की तेजी साथियों बनी है। बहुत से साथी IGNP की जानकारी पूछ रहे हैं, भाइयों अनूपगढ़ ब्रांच के अंदर पानी छोड़ दिया गया है, सूरतगढ़ ब्रांच के अंदर पानी 3 या 4 को छोड़ा जाएगा, उससे पहले उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन लग ये रहा है कि सूरतगढ़ ब्रांच के अंदर पेयजल नहीं शायद सिंचाई पानी आपको सीधा मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। देरी हुई है इस बात में कोई शक नहीं है। बीकानेर साइड आगे जैसलमेर साइड पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, पहले पानी उधर भेज दिया गया, शायद उसी के चलते जो है हमें पानी का नुकसान साथियों हुआ है। बात करते हैं साथियों सरसों के भाव की, थोड़ी सी चर्चा उससे पहले गेहूं की कर लें। देखिए गेहूं पहली बार MSP से नीचे बिका है, पहली बार MSP से नीचे बिका है आज, पहले भी बिका था लेकिन आज प्रॉपर मंडियों के अंदर ही जो है गेहूं MSP से नीचे बिका है। विनोद कुमार जी सरन साहब ने मेरे YouTube चैनल किसान राजा शेर का लिंक शेयर किया है, आप वहां भी साथी जरूर जुड़ जाना, जो साथी जुड़ना चाहें, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, जिन साथियों का मन करे वहां जुड़ जाना भाई, आपका मन करे तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो गेहूं के अंदर साथियों मैंने बहुत विनम्र तरीके से आपको बहुत पहले निवेदन किया था कि साथियों गेहूं के अंदर तेजी नहीं बनेगी, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन भी आपको पहले मैंने बताए हुए हैं। पुनः निवेदन करता हूं गेहूं के अंदर अभी जल्दी तेजी बनती हुई नहीं लग रही है, हो सकता है जैसे आगे चल के नवंबर में दिसंबर में जो है तेजी बनती होती है, हो सकता है आगे चल के बन जाए, वो हर साल 200-300 वहां जाके भाव बढ़ते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर गेहूं के अंदर साथियों तेजी बनती हुई जो है नजर नहीं आ रही है। तो सरसों के भाव की बात करें साथियों, भरतपुर के अंदर 6480, जयपुर 6950, दिल्ली 6850, सलोनी 7300, आदमपुर 6300, जोधपुर 6510, बीकानेर 6340, सिरसा 6500, दादरी 6420, हिसार 6570, विजयनगर 6326, रायसेनगर 6452, रावला 6225, पीलीबंगा 6050, डबवाली मंडी के अंदर सरसों बहुत मंदी रही है 5900, सादूल शहर 6237, सूरतगढ़ 6071, नागौर 6150 और मेड़ता सिटी के अंदर जो है सरसों बिकी है 6500 रुपये पूरे। गेहूं के भाव बताऊं, संगरिया 2011, रावला 1995 MSP से नीचे, संगरिया भी 2011 MSP से नीचे, पीलीबंगा 2021 MSP से थोड़ा सा ऊपर, सादूल शहर 2081, सूरतगढ़ 1920 MSP से नीचे, रायसेनगर 2098 और विजयनगर 2191 रुपये। बड़े प्लांट भरतपुर 6480, 50 रुपये तेज सरसों में, जयपुर 6950, 50 रुपये सुबह से तेज सरसों में, दिल्ली 6850, सुबह से 50 रुपये यहाँ भी तेज, और सलोनी जो है 7300 रुपये आज, 7300 रुपये शाम को 5 बजे से पहले था, हो सकता है अभी शाम को जो है 7350 हो गया हो, ये भी 100 रुपये साथियों शनिवार से तेज बाजार जो है साथियों खुले हैं। पुनः हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है भाइयों, देखिए मैं एक मतलब कि सभ्य भाषा को फॉलो करने वाला आदमी हूँ, सभ्य लोगों के साथ रहने वाला आदमी हूँ, लेकिन आप सबसे निवेदन है जिन भाइयों को वीडियो अच्छा लगे आप लोग देखा करें,
मैं बड़े विनम्र तरीके से आपको निवेदन करता हूँ, जिन भाइयों को वीडियो नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, आप लोग कोई बाध्य नहीं है, आप नहीं देखें, आप नहीं शेयर करें, आप नहीं लाइक करें, कोई बात नहीं, लेकिन अडल्ट लैंग्वेज गलत भाषा मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मैं ना बोल सकता हूँ और ना सुन सकता हूँ। पुनः आपसे हाथ जोड़ के साथियों निवेदन है, आप सब लोगों ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह 11 से 12 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, और कल शाम को यहाँ 8:30 बजे लाइव साथियों मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।